नमस्कार, मैं लखवी चहल। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। मेवे की गुलाब जामुन बनाई होगी आपने, छेने की बनाई होगी, लेकिन हम बना रहे हैं सूजी की। तो हमने एक बॉल सूजी ली है और दो बॉल हमने दूध लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, दूध को हम लोग बॉईल कर लेते हैं। दूध डाल लेते हैं हम दो बॉल और इसको एक उबाला दे देंगे। हमारा दूध बॉईल हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे कार्डमम पाउडर, हाफ टीस्पून डालेंगे हम, और इसमें हम डालेंगे सैफ्रन। सैफ्रन ऑप्शनल है, अगर आपके पास सैफ्रन है तो सैफ्रन डाल सकते हो, अगर सैफ्रन नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन इलायची पाउडर डालना ज़रूरी है। इलायची पाउडर आपके गुलाब जामुन को अच्छी खुशबू दे देगा। सैफ्रन हमारे गुलाब जामुन को अच्छा रंग दे देगा और जहाँ पे भी बच्चे हैं भागे चले आएंगे खुशबू से। तो अभी बॉईल हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे हमारी एक बॉल सूजी। डाल दिया सूजी, अभी सूजी को हम पका लेते हैं। आप चाहे तो पहले सूजी को घी में पका सकते हो और उसके बाद में दूध डाल सकते हो, लेकिन मैंने दूध में डाली है सूजी। और अभी हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून घी का, एक टेबलस्पून हम घी डाल देते हैं। इससे हमारे गुलाब जामुन में अच्छी चिकनाहट आ जाएगी, क्योंकि इसमें और तो कोई मीडियम नहीं है हमारे फैट का एक्सेप्ट दूध। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हमें तब तक भूनना है सूजी को जब तक हमारा दूध अच्छी तरह मिल ना जाए सूजी में और पूरी सूजी अब्जॉर्व होके फूल जाएगी। आप देखिए कैसे बढ़िया हमारी सूजी में दूध घुल गया है। अभी हम इसको थोड़ी देर बंद कर देते हैं ऐसी, और भाप में सूजी और पक जाएगी। दो बॉल शुगर लिए हुए हैं और पानी हम डालेंगे दो बॉल इक्वल क्वांटिटी। और हमें इसको पकाना है, एक तार की चाशनी बनानी है इसकी, ताकि हमारा जो शुगर सिरप है उसमें हमारी सारी गुलाब जामुन डूब जाए। शुगर को तब तक पकाना है जब तक शुगर घुल ना जाए, और इसे हिलाते रहने का, नहीं तो क्या होगा, आपकी शुगर नीचे बैठ के कैरमलाइज हो जाएगी और इसमें थोड़ा कड़वापन आ जाएगा और शुगर का रंग भी चेंज हो सकता है। तो इसको हिलाते हिलाते पूरे को मिक्स कर लेते हैं हम। सैफ्रन मिलाना चाहते हो तो इस समय आप शुगर में मिला सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि तो चाशनी लिमिटेड हो जाएगी यूज़ करने के लिए। अभी तो चाशनी जो बच जाएगी हम चाय भी बना सकते हैं उसकी, लेकिन सैफ्रन लग जाएगी तो सैफ्रन चाय पसंद नहीं आया करे। बहुत ज़्यादा डिशेस है जिसमें सैफ्रन नहीं जाता, तो लिमिटेड हो जाएगा यूज़ करना, इसलिए मैं चाशनी में डाला नहीं है, लेकिन अगर आप चाशनी में डालना है आप डाल सकते हो। अरे शुगर घुल गई है, अभी हम इसको ऐसे पकने के लिए छोड़ देते हैं और हमारा देख लेते हैं कैसा है जो हमने मावा बनाया है। तो हम लोग अपना मावे को मस लेंगे, साथ में गरम कर रहे हैं हमारा ऑयल, आप चाहे तो घी यूज़ कर सकते हो, और चाशनी भी बन रही है हमारी। चलो पहले हम लोग मसल देते हैं हमारा मावा, गर्मा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म हुआ तब मसलिए। इसका अच्छी तरह डो बना देना है, तो हम इसको थोड़ा सा मसल देते हैं, थोड़ा वार्म है। तो अभी मावे में हम डालेंगे हमारा कुकिंग सोडा, तो एक पिंच, बस एक पिंच लिया हमने, ज़्यादा नहीं डाला, नहीं तो क्या होगा फूल के फटना लग जाएगा आपका गुलाब जामुन। तो इसको अच्छी तरह और मसल देते हैं जब तक हवा मिल ना जाए। देखिए एकदम हमारा बढ़िया बन गया है मावा। तो अभी हम इसके छोटे छोटे गोले कर लेते हैं, जो साइज़ में आपको चाहिए उस साइज़ में हम लोग गोले कर लेंगे और फ्राई करेंगे इसका। छोटे छोटे गोले कर लेते हैं हम पहले।
हमें इसे गर्मा गर्म ही करना। देखिए हर जगह से कहीं से भी क्रैक नहीं है, आप बना लो गर्मा गर्म। और अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल है तो दो बनाइए। देखिए हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है। अभी हम इसमें डालेंगे हमारा इलायची पाउडर, अच्छा फ्लेवर आएगा। हमने इलायची पाउडर गुलाब जामुन में भी डाल दिया है और चाशनी में भी। बॉयल हो गई एकदम बढ़िया। अभी हम इसको निकाल के साइड में रख देते हैं। चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा आपके गुलाब जामुन बैठ जाएगी। चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए, वार्म टेम्परेचर होना चाहिए चाशनी का जब आप गुलाब जामुन डाल रहे हो इसमें। तो हम अभी बॉल में डाल देते हैं हमारी चाशनी। इसमें अभी हम डालेंगे अपने फ्राइड गुलाब जामुन। दो शेप में किया हुआ है, एक लैंचा के शेप में और एक गुलाब जामुन गोल। तो अभी हम दोनों फ्राई कर लेते हैं। पहले मैं फ्राई करता हूँ हमारी गुलाब जामुन गोल। जो हमारी गुलाब जामुन है वो फ्राई होंगे धीमी आंच पे, अंदर तक पकना चाहिए। इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारे जो गुलाब जामुन नीचे बैठी है तेल के ऊपर ना आ जाए, और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अभी नहीं हिलाएंगे लेकिन थोड़ा सा इसको लूज आउट होने के बाद में हिलाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर आ गए हैं, अभी इसको धीरे धीरे हम लोग हिलाएंगे। तो हमारी गुलाब जामुन बढ़िया सुनहरी रंग से पक रही है, क्रिस्पी हो रही है एकदम, क्योंकि सूजी की है तो एकदम बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगी बाहर ऊपर से। अगर आप जब पका रहे हो और तो आपकी गुलाब जामुन फट जाएगी, आप टेंशन नहीं लेना, उसको पकने देना, क्योंकि सूजी है ना तो अपने आप जहाँ फटा है वो क्रिस्पी हो जाएगा और अपने आप को सेट कर लेगी गुलाब जामुन। ऐसा नहीं कि आप डर जाएं कि यार मेरी गुलाब जामुन फट रही है क्या होगा बिखर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाइंडिंग अच्छी है सूजी में, अच्छी तरह पकड़ी रहेगी सूजी और क्रिस्पी हो जाएगी। इसको अच्छी तरह पका लेते हैं। पकाने के बाद में हमारी जो चाशनी है वो भी गुनगुनी है, एकदम गर्म नहीं है, ताकि एकदम बढ़िया से सूख लेगा शुगर सिरप ये। तो हमारी गुलाब जामुन रेडी है, कम कर लिया हमने आंच। अभी इसको हम डालते हैं हम चाशनी में। चाशनी में डाल के इसको थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि हमारे गुलाब जामुन थोड़ी चाशनी पी ले। हमारे गुलाब जामुन रेडी है, देखिए एकदम सुनहरा कलर है। इसको थोड़ा देर हम लोग दबा देंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन के अंदर चाशनी चली जाए और ये सोख कर ले चाशनी। दबा दिया, अब इसको थोड़ा रख देते हैं हम 10 मिनट। हमारी सूजी की गुलाब जामुन रेडी है। आप देखिए कितनी बढ़िया बनी है, प्यारी। घर में बनाइए और खाइए। थैंक यू वेरी मच।